फिरोजाबाद के नगला खंगर थाना क्षेत्र में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर प्रतापगढ़ से दिल्ली जा रही डबल डेकर बस सड़क हादसे का शिकार हो गई। हादसे में लगभग दर्जन भर सवारी घायल हो गए। 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है, वहीं एक व्यक्ति की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बस चालक को नींद आने से ये हादसा हुआ। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है और जाँच में जुट गई है। मैं 3 बजे एक वॉल्वो बस जो कि प्रतापगढ़ से दिल्ली की तरफ जा रही थी, उसमें लगभग 57 सवारियां थीं। वह बस चालक को नींद आने की वजह से, जैसा कि बताया जा रहा है, 69.7 किलोमीटर एक्सप्रेसवे पर आगरा की तरफ वो डिवाइडर पर चढ़ गई। डिवाइडर पर चढ़ने के बाद एक खंभे पर टकरा गई। खंभे पर टकराने की वजह से उसके भीषण एक हादसा हुआ, जिसमें कि लगभग 5 सवारियाँ गंभीर रूप से घायल हुई।